खबर रायबरेली से है, जहां सपा छोड़कर बीजेपी में आए मनोज पांडे ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान मनोज पांडे ने कहा है कि विपक्ष ने खटाखट झूठ बोलकर चुनाव लड़ा, अब जनता ने खटाखट करके बाहर का रास्ता दिखाएगी। मनोज पांडे ने दावा किया है कि रायबरेली के हर ब्राह्मण ने बीजेपी को वोट किया, हम सफलतापूर्वक एनडीए की सरकार चलाएंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज रायबरेली आ रहे हैं, आभार सभा है, जो प्रचंड जीत हासिल हुई है। उम्मीद नहीं थी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में जितनी, उससे ज्यादा सीटें मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मनोज पांडे जी, रायबरेली से जो उम्मीद थी वो चीजें नहीं हो पाई। अभी आप रायबरेली में बीजेपी की पॉलिटिक्स को आगे किस तरीके से देख रहे हैं? लोकतंत्र में जनादेश का को हम प्रणाम करते हैं, उसका स्वागत भी करते हैं, और हम सब कहीं ना कहीं जनता से ही जुड़े व्यक्ति हैं। आत्ममंथन होगा, कोई कमियां रही उनको ढूंढा जाएगा, हम गिरते हैं फिर हम उठते हैं, ये मानव जीवन है। लेकिन आप इसकी चर्चा क्यों नहीं करते कि आज दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीसरी बार शपथ लिया है।